जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में दो बार आती है, एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके, घी का एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्र साथ में रखें और एक बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सावन की अंतिम एकादशी का दिन आ गया है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में दो बार ही पड़ती है, तो इस शुभ दिन को जाने ना दें। यह एकादशी संतान प्राप्ति के लिए होती है। यदि किसी समस्या के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको शिवालय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करनी है। उन्हें फूल बेलपत्र जिस प्रकार से पूजा की जाती है उस प्रकार करें। आपको एक कटोरी में घी लेना है और एक कटोरी में खीर लेना है और शिवलिंग के पास रख देना है। अब घी का एक दीपक जलाकर शिवलिंग की मतलब शिव मंदिर की चौखट पर रख देना है। अब आपने पूजा के समय जो बेलपत्र चढ़ाई हैं उसमें से दो बेलपत्र उठा लें। एक बेलपत्र आप शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लें तथा एक बेलपत्र आप घर ले आएं। जो बेलपत्र आप घर लेकर आए हैं वह अपने पति को खिला दें। महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा। अपन कह रहे हैं ये हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। दोस्तों, दूसरा उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, खर्च हो रहा है, तो एकादशी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको गंगा का जल लेना है, एक लोटा गंगा जल में 7 बेलपत्र डालना है और शिवलिंग के पास चले जाना है। अब शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे होते हैं उनके ऊपर वह गंगा का जल चढ़ा देना है और जो बेलपत्र आप साथ ले गए हैं उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कहा जाता है ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर रुकना प्रारंभ कर देती है और आपकी लक्ष्मी की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। हम आशा करते हैं आपको दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।